देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। गणेश उत्सव यानी कि भगवान गणेश के जन्मदिन का दिवस। गणेश उत्सव का पर्व भादव मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक मनाया जाता है। आपको बता दें कि इंदौर में अनेकों स्थान तक सार्वजनिक रूप से श्री गणेश जी की विशाल प्रतिमाओं की स्थापना के साथ ही 10 दिनों तक विशेष आयोजन संपन्न होने का सिलसिला चालू हो चुका है। ऐसे में एक आयोजन जो कि 20 वर्षों से हो रहा है, यह आयोजन युवा तरुणाई हर्षोर गौड़ पहलवान की अगुवाई में भाई मोहल्ला तेजाजी सुभाष मार्ग पर अपने भव्य स्वरूप में अनूठी पहचान बना चुका है। इंदौर की विधानसभा तीन में सबसे बड़े आयोजन के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका गणेश उत्सव का यह आयोजन इस बार 21वें वर्ष में भी चल समारोह के साथ शाम 5 बजे अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ प्रारंभ हुआ। चल समारोह में महाराष्ट्र के अमरावती के रामराज ढोल पर युवाओं की शानदार प्रस्तुति ने लोगों को काफी आकर्षित किया। एक ऐसी ड्रेस में शानदार तरीके से ढोल बजाकर गणपति बप्पा की अगवानी करते हुए युवाओं का दल मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में 10 दिवसीय भव्य गणेश उत्सव का उद्घोष करते हुए दिखाई दिया। चल समारोह में झाबुआ के आदिवासियों का नर्तक दल नृत्य करते हुए आदिवासी परंपरा को प्रस्तुत करते हुए चल रहा था। चल समारोह में भजन के डीजे गाड़ी पर इंदौर के ख्यात भजन गायक गन्नू महाराज अपनी सुमधुर आवाज में जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए शानदार भजन की प्रस्तुतियां करते हुए चले। चल समारोह में हनुमान जी का वानर स्वरूप धारण किए हुए कलाकार ने भक्तिभाव दिखाते हुए लोगों को काफी प्रभावित किया। चल समारोह का मार्ग में अनेकों स्थान पर विभिन्न मंचों के द्वारा रहवासियों तथा व्यापारियों द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। चल समारोह भोई मोहल्ला से प्रारंभ होकर इमली बाजार होते हुए कृष्णपुरा छत्री के समक्ष पहुंचा। यहां पर भगवान श्री गणेश की विशाल प्रतिमा को पूजन अर्चन एवं आरती के पश्चात रथ पर विराजित कर भ्रमण कराया गया। इस रथ में सभी युवा भक्तजन अपने हाथों से खींचते हुए चल रहे थे। समूचे चल समारोह में युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था और सभी युवा जन भजन गायक गन्नू महाराज के भजनों पर थिरकते हुए चल रहे थे। इस दौरान अनेकों स्थान पर आयोजक हर्षोर गौड़ पहलवान का पुष्पमाला एवं भागवत दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया, जहां चल समारोह राजबाड़ा होते हुए पुनः भोई मोहल्ला नेताजी सुभाष मार्ग पर पहुंचकर समाप्त किया गया, जहां चल समारोह में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, पार्षद गजानन गावड़े, मांगलिया से पधारे समाजसेवी संदीप शर्मा एवं मुख्य आयोजक हर्षोर गौड़ पहलवान उपस्थित रहे। स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है हर्षल भाई की ओर से। आप श्री का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन।
गणेश चतुर्थी आयोजन गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर आज चल समारोह का आयोजन रखा गया है। इसमें गंतु महाराज जी और अमरावती से कुलहड़ी ढोल मंगवाए गए हैं और झाबुआ से आदिवासी ये कोई मोहल्ला से छतरी राजबड़ा होते हुए इंतजार होते हुए कार्यक्रम स्थल वही मोहल्ले पर चल समारोह का समापन होगा। विगत 21 वर्षों से सतत ये आयोजन चलता आ रहा है। प्रतिमा की क्या है? प्रतिमा 11 फीट की प्रतिमा है। जो मेरा नाम मार्शल गोड़ वही मोहल्ला गणेश समिति। ये वही मोहल्ला गणेश समिति का एक बड़ा ही आयोजन है। राजबाड़ा क्षेत्र का विधानसभा नंबर 3 का सबसे बड़ा आयोजन ही है। हमारे आदरणीय भाई साहब हर्षल जी गोड़ एवं भोई मोहल्ला समिति के सभी सदस्य पिछले 20 वर्षों से गणेश जी का भव्य आयोजन ये करते आ रहे हैं। ये 21वां वर्ष है सफलतम और यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक सारे कार्यक्रम गणेश समिति के माध्यम से होते हैं। रोज भोजन भंडारा भी होता है। महामूर्ति भी आए थे जी। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के सभी सदस्य यहाँ पर आमंत्रित हैं। सभी लोगों का सहयोगी समिति में रहता है। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।